नम आंखें फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट, यह है विजयपत सिंघानिया, रेमंड कंपनी के संस्थापक, वो कंपनी जो आज 10,000 करोड़ की हो चुकी है। विजयपत के चेहरे पर मुस्कुराहट भले ही है, लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छिपा है। ये दर्द इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इनके अपने बेटे गौतम सिंघानिया से मिला है। देश के बड़े अमीरों में शुमार रेमंड ग्रुप के मालिक रहे विजयपत सिंघानिया इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं, खुद का घर होते हुए किराए के घर में रहने को मजबूर है। बेटे गौतम सिंघानिया ने पिता को उनका घर देने से इनकार कर दिया है। अपना घर पाने के लिए विजयपत सिंघानिया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मालाबार हिल स्थित 36 मंजिला जेके हाउस में अपने डुप्लेक्स पर कब्जा मांगा है। विजयपत इन दिनों दक्षिण मुंबई स्थित ग्रैंड पराडी सोसाइटी में किराए के घर में रह रहे हैं। जितनी कंपनियां थी वो सब अपने नालायक पुत्र को गिफ्ट कर चुका हूँ, इसलिए ही इज द ओनर नाउ, आई हैव नो से। बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती थी। कभी कभी बाप अपने प्यार में गलतियां कर देता, मैंने भी की, क्या कोई बाप नहीं करता है, बहुत से लोग करते, शायद इतनी बड़ी नहीं करते हों, हमने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, तो उसका भुगतान तो हम ही को देना पड़ेगा। जिस घर पर कब्जे की मांग को लेकर विजयपत कोर्ट गए हैं वो 1960 में बना था। उस वक्त ये 14 मंजिला इमारत थी, लेकिन 2007 में इमारत को तोड़कर फिर से बनाने का फैसला हुआ। अब 14 मंजिला इमारत की जगह 36 मंजिला इमारत है। डील के मुताबिक विजयपत सिंघानिया, गौतम सिंघानिया, विजयपत के भाई अजयपत सिंघानिया की पत्नी वीना देवी और उनके बेटों अनंत और अक्षयपत सिंघानिया को एक एक डुप्लेक्स मिलना था। वो अब किराए के घर में रहने को मजबूर है। विजयपत से पहले वीना देवी और उनके दोनों बेटे भी अपार्टमेंट में अपने हिस्से के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। विजयपत सिंघानिया की परेशानी सिर्फ यही नहीं है कि उनका बेटा उन्हें घर नहीं दे रहा। सिंघानिया का आरोप है कि गौतम उनका खर्चा तक नहीं उठा रहा। दरअसल 2015 में बिजनेसमैन विजयपत सिंघानिया ने रेमंड में अपने हिस्से के 38% शेयर बेटे के नाम कर दिए थे। इसके साथ ही जेके फाइल्स, रेमंड यूको डेनिम पार्क, पार्क एवेन्यू और अन्य कंपनियों के शेयर भी उन्होंने गौतम को दे दिए। विजयपत सिंघानिया का आरोप है कि शेयर मिलने के बाद ही बेटे का बर्ताव बदल गया और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। यही उम्मीद करूंगा आपके चैनल से कि जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सोच के, अपना फ्यूचर देख के अपने बच्चों को देना चाहिए। प्रेम के लिए देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना ख्याल रख के दीजिएगा, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है।